हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव में हुई दिल दहला देने वाली घटना। उन्नाव में प्रेम में पड़ी लड़की ने प्रेमी संग मिल माँ को मौत के घाट उतारा। सनसनीखेज वारदात से सहमा पूरा उन्नाव। 24 घंटे में उन्नाव पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के हुसैन नगर में बुधवार रात हुई दिल दहला देने वाली घटना। हुसैन नगर में रहने वाले बचान लोध की 45 साल की पत्नी पप्पी को किसी ने रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया। शहर क्षेत्र में महिला की हत्या से सदर कोतवाली में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस की टीम हुसैन नगर पहुंची और हत्या की साजिश से पर्दा उठाने में जुट गई। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पति बचान लोध अचलगंज के निवरना मरोई में एक युवक का ट्रैक्टर चलाता है। बुधवार को वह ट्रैक्टर लेकर पुरवा कोतवाली क्षेत्र में खेत की जुताई करने गया था। घर पर उसकी 45 साल की पत्नी पप्पी, 17 साल की बेटी और 2 बेटे थे। बुधवार की रात 2:30 बजे बचान की बेटी ने उसे फोन कर बताया कि माँ का शव आंगन में लहूलुहान हालत में पड़ा है। सुबह 5 बजे बचान घर पहुंचा तो पत्नी का शव देखकर कांप गया। तुरंत ही उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर सीओसीटी कृपा शंकर और सदर कोतवाल अनिल सिंह पहुंचे और हत्या की जांच शुरू की। महिला का शव पेट के बल मिला, जिससे ये साफ हो गया कि महिला के सिर पर पीछे से किसी ने वजनी चीज से जोरदार वार किया, जिससे एक ही वार में पप्पी की मौत हो गई। इसके साथ ही पप्पी की पीठ और सिर में चोट के निशान मिले। इसके बाद पुलिस ने मृतका की बेटी और दोनों बेटों से पूछताछ की। उन्होंने किसी तरह का शोर या आवाज सुनने से इनकार किया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतका की बेटी से उसके मोबाइल फोन के संबंध में जानकारी ली तो उसने मोबाइल न होने की बात कही, जबकि छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि उसके बहन के पास मोबाइल रहता है। शव के आधार पर पुलिस ने घर की तलाशी ली तो कोने में रखी एक बोरी के पीछे मृतका पप्पी और उसकी बेटी का मोबाइल मिला। पुलिस ने मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक की तो पता चला कि बुधवार सुबह से गुरुवार सुबह 4 बजे तक की कॉल डिलीट है। यहीं से पुलिस को बेटी पर शक हो गया। मैं आज पहुंचा हूं जनपद उन्नाव के हुसैनगंज गांव में, जहां पर एक लड़की के प्रेम प्रसंग ने उसके प्रेमी ने और प्रेमिका दोनों ने मिलकर माता जी का मर्डर कर दिया, लड़की की माँ का मर्डर कर दिया। और मैं उनके दरवाजे घर पहुँचा हूँ उनके, और मैं आपको दिखाना चाहेंगे जिस जगह उनका मर्डर किया हुआ है। आप आइए मेरे साथ, आते रहिए, मैं आपको दिखाना चाह दूँगा कि कहाँ पे। आइए बताइए, आपको बताइए कहाँ पे। ये हम घर के अंदर मौजूद हैं और देखना चाहेंगे कहाँ पे तो मर्डर किया गया है। ये वो जगह है, कैमरा इधर करिए, ये देखिए, यहाँ पे इसी जगह पे उस माता जी का मर्डर किया गया, उस लड़की की माँ का प्रेमी से मिलकर दोनों ने और इनका मर्डर कर दिया है। और सबूत तलाशने के लिए पुलिस ने फील्ड यूनिट टीम को मौके पर बुलाया। खोजी कुत्ता घर के बाहर महिला के पड़ोस में रहने वाले सलमान के दरवाजे से जाकर लौट आया। पुलिस ने जब पता किया तो महिला के मोबाइल में सलमान का नंबर मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। इस पर पुलिस की शक्ति के आगे सलमान टूट गया। सलमान ने सच उगल दिया। सलमान ने पुलिस को बताया कि 4 साल से उसका मृतका की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। 10 दिन पहले माँ पप्पी ने उसकी प्रेमिका को धमकी दी थी कि अगर वो सलमान से मिलना नहीं छोड़ेगी तो वो सलमान की हत्या करवा देगी। इसके बाद प्रेमिका ने माँ की हत्या की योजना बनाई और बुधवार रात 1 बजे उसे घर बुला लिया। सलमान ने बताया कि उसने प्रेमिका की मदद से चारपाई पर सो रहे पप्पी पर हमला किया। खुद को बचाने के लिए वह भीड़ तो आंगन में घसीट कर उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मन में थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस के लिए घटना का खुलासा करना एक चुनौती थी। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई थी और इसके लिए एसओजी टीम और कोतवाली थाने की कई टीमों को लगाया गया था। आज 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी मिली है।
और दो अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। घटना के पूरे जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि उनके घर के पड़ोस में ही रहने वाला एक अभियुक्त अयूबपुर सलमान, जिसका एज 26 साल है, वो मृतका की लड़की के साथ मित्रता रखता था और उनकी आपस में बातचीत होती थी। इसी में इनका वाद विवाद होता हुआ क्योंकि जो महिला थी उसके द्वारा अपने लड़की से उससे बात करने से मना करने के लिए कहा गया था, बात करने के विरोध करती थी, उसी बात को लेकर इनका वाद विवाद हुआ था और इसी के कारण दोनों के द्वारा मृतका की लड़की एवं अभियुक्त सलमान इसके द्वारा योजना बनाकर उनके घर में जाके एक ईंट से प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई और उसके बाद दोनों लोग जो है वहाँ से मौके से जो है अभियुक्त फरार हुआ। सलमान के बयान के आधार पर पुलिस मृतका की बेटी को कोतवाली लेकर आई और पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में लड़की भी टूट गई और मां की हत्या का गुनाह उसने कबूल कर लिया। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यू न्यूज़ यूपी।